वेलकम टू माय चैनल एके क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप बेल आइकन के साथ प्रेस कर लो और डेली की डेली करंट अफेयर्स जो है आपको मिल सके। और इसको लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये करंट अफेयर्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज आज के इस बड़े टॉपिक के बारे में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। तो दोस्तों, अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जो कि परिवार कल्याण मंत्री यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वर्ष 2020 और 21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र के दौरान हुआ है। तो दोस्तों, ये 147वें सेशन के दौरान ये हुआ है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 147वें सेशन के दौरान हुआ है। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इसको देखें तो, और अभी हम ये जानेंगे कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता क्या है, और इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए अभी हम जानेंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव जो आप देख रहे हो, एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स मीटिंग 147वें सेशन की हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, 147वें सेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स की मीटिंग के दौरान ये हुआ है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 147वें सेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उस दौरान ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के बारे में। तो WHO का एक कार्यकारी बोर्ड है, जो कि 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 34 तकनीकी रूप से योग्य सदस्यों से मिलकर बना होता है। और इसके जो मुख्य कार्य हैं, वो स्वास्थ्य सभा के निर्णय और नीतियों को लागू करना है। और ये लोग WHO के अध्यक्ष और कार्यकारी मेंबर्स सलाह देते हैं और इसके काम को सुविधाजनक बनाते हैं। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को उसके सदस्यों द्वारा 6 WHO क्षेत्रों की क्षेत्रीय समिति द्वारा रोटेशन द्वारा नामित किया जाता है। तो इस बार इनका टर्न था, तो इन्होंने ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल लिया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जनवरी 2021 में कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे, और मई 2021 में कार्यकारी बोर्ड की बैठक में वह एक अन्य WHO क्षेत्र से अगला अध्यक्ष सौंपेंगे, परंतु वह 2023 तक कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि WHO के कार्यकारी समिति में जो 34 तकनीकी रूप से योग्य सदस्य हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। तो आप यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, जो WHO के कार्यकारी बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 3 साल का, 3 साल का होता है। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, सितंबर 2019 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया की 75वीं क्षेत्रीय समिति के सत्र में सदस्य देशों ने भारत को श्रीलंका से बदलने के लिए इस क्षेत्र से WHO के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य नामित किया था। तो दोस्तों, कब किया था ये, सितंबर 2019 में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और कौन सी क्षेत्रीय समिति के सत्र में, 72वीं क्षेत्रीय समिति के सत्र में दोस्तों, जिसका कार्यकाल मई 2020 में समाप्त हो गया, मई 2020 में समाप्त हो गया, लेकिन 147वें और 148वें सत्र के नेतृत्व के रूप में इन्होंने जो है जिम्मेदारी ली है, और ये कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो
तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि एक तो ये पॉइंट है कि WHO किस क्षेत्रीय समिति के सत्र में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली, एक तो 72वीं क्षेत्रीय समिति के सत्र में, और कब संभाली, कब WHO ने ये जो है क्षेत्रीय समिति के सत्र में इनको बोर्ड का सदस्य नामित किया था, सितंबर 2019 में, और इनका कार्यकाल कब समाप्त हो गया था, मई 2020 में। मई 2020 में किसका कार्यकाल समाप्त हुआ था, जो कि पुराने सदस्य थे, पुराने अध्यक्ष थे, और अब मई 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 147वें और 148वें सत्र का नेतृत्व करने के लिए अपनी जिम्मेदारी संभाली है। तो दोस्तों अभी आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि हम डेली बाई डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन की समरी भी तैयार कर रहे हैं, तो कल से हम ये शुरू करने वाले हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये मिल सके, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और लाइक और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि सबसे पहले आपको ये मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों।